नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो एक दुखद समाचार से शुरू करते हैं दोस्तों। कल यानी कि 19 अगस्त को लद्दाख के लेह जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें से हमारे 9 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, लेह से लेकर के न्योमा तक जाने वाले एक कन्वॉय का हिस्सा था एक ALS। उस ALS में कुल 10 JCO और जवान सवार थे, जिसमें से एक JCO और 8 जवानों की शहादत हो गई है जब वो ALS खाई में गिर जाता है। जब ये कन्वॉय लेह से लेकर न्योमा तक जा रहा था, तो वहां पर एक क्यारी करके जगह था, उस क्यारी करके जगह के अंदर ही ये घटना होती है और वो ALS खाई में गिर जाता है, जिसमें से नायब सूबेदार रमेश लाल, हवलदार महेंद्र सिंह, हवलदार विजय कुमार, नायक एन चंद्रशेखर, नायक तेजपाल, गनर मनमोहन, गनर अंकित, गनर तरनदीप सिंह और गनर भोईते वैभव, इन सभी के सभी 9 के 9 जवानों की शहादत हो जाती है। दोस्तों, हम सैनिक पाठशाला की ओर से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में इन सभी 9 के 9 आत्माओं को जगह दे और इनकी परिवारजनों को जो है ऐसे मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभालने की ताकत प्रदान करे। तो इन सभी जवानों के लिए, इन सभी की आत्माओं के लिए मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जैसे आप देख पा रहे हैं, कम्यूटेशन के बारे में कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी दोस्तों, तो कम्यूटेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल आए हैं, उनके जवाब दे देता हूं दोस्तों। सबसे पहला, ये जो आप देख पा रहे हैं, सर मैं नायक रैंक में 2007 दिसंबर में पेंशन आया हूं और 2022 दिसंबर में 15 ईयर कंप्लीट हो गए, अभी 2023 अगस्त में भी कम्यूटेशन कट रहा है, प्लीज इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये एक बहुत सीरियस मामला है। ये दिसंबर 2007 के रिटायरी हैं, उस हिसाब से उनका दिसंबर 2022 में कम्यूटेशन का कटना बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप सबको एक बात बता दूं दोस्तों, कि हम जब पेंशन आते हैं तो पेंशन आने के तुरंत ही कम्यूटेशन शुरू नहीं होता। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके पेंशन आने के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या सालों बाद भी कम्यूटेशन का जो है भुगतान भी होता है और कटना भी तब से शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि आपका कम्यूटेशन का कटने का सिलसिला कौन से महीने से और कौन से साल से शुरू हुआ था। अब जब से आपका कम्यूटेशन कटने का सिलसिला शुरू हुआ था दोस्तों, उसके आगे 15 साल तक कटेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 15 साल कटने के बावजूद भी आगे भी कटता रहा है, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इन पेंशनर ने जो है सीपी ग्राम्स में तुरंत ग्रीवेंस डालना है कि उनका कम्यूटेशन जो है कटना शुरू हुआ दिसंबर 2007 से, फिर भी अभी तक कट रहा है, ये एक सीरियस मामला है। आगे दोस्तों, अगला सवाल, सर जय हिंद, सर मैं 2008 को 29 फरवरी में रिटायर हुआ हूं, मेरा कम्यूटेशन 4,127 रुपए कट रहा था, लेकिन मेरा 2023 में कम्यूटेशन पूरा होना चाहिए पर अप्रैल महीने में 2380 रुपए कट रहा है, क्या करें सर, थोड़ा जानकारी दीजिए। अब इसके लिए मैंने बोर्ड में एक चार्ट बना रखा है, अब थोड़ा सा आप समझिए। क्या होता है कि कभी कभी कम्यूटेशन हमें पार्ट में मिलता है, इकट्ठा नहीं मिलता, बाद में कुछ रिवीजन होता है उसका भी कम्यूटेशन मिल जाता है। ऐसे कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनको 3-3, 4-4 बार तक भी कम्यूटेशन मिलता है। तो उनका कटने का किस तरीके से शुरू होगा और कैसे बंद होगा, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक जनवरी 2008 के रिटायरी है और जनवरी 2008 को ही उनको जो है 3,50,000 रुपए कम्यूटेशन मिलता है, और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2800 रुपए उनका महीने का कटता है, तो दोस्तों ये जो जनवरी 2008 से 2800 रुपए कट रहा है, इसका कटने का सिलसिला कब बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में इनका कटना बंद हो जाना चाहिए, जनवरी 2023 से इनको फुल पेंशन मिलना चाहिए। इसी तरीके से उन्हीं पेंशनर को अगर जनवरी 2010 में फिर से 1,00,000 रुपए मिलता है और मान लीजिए 800 रुपए करके अगर कटता है, तो उनका कब तक ये कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 2010 से लेकर आगे 2024 तक, यानी कि जनवरी ये दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक कटेगा। और मान लीजिए जनवरी 2016 में उनको दोबारा से मिलता है कम्यूटेशन, तो ये कब तक कटेगा, दिसंबर 2030 तक, 2030 तक उनका कटेगा। तो दोस्तों मान लीजिए दिसंबर 2022 में उनका ये कटना बंद होगा, बाकी तो कटने बंद नहीं होंगे, इसका मतलब कुल उनका 2800, 800 और 400, 4000 रुपए हर महीने कट रहा था कम्यूटेशन के लिए, लेकिन जैसे जनवरी 2023 हो जाएगा इसका कटना बंद हो जाएगा और ये जारी रहेगा। आगे जैसे ही जनवरी 2025 आएगा, उनका ये कटना बंद हो जाएगा, सिर्फ ये कटता रहेगा और इसका कटने का सिलसिला दिसंबर 2030 तक रहेगा, यानी कि जनवरी 2031 से उनका पूरा कटना बंद हो जाएगा और उनको पूरा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है, जो ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, उनको शायद एक ही बार में कम्यूटेशन ना मिला हो, 2-3 बार में मिला हुआ है,
तो पहला वाला तो कटना बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में जो दूसरे तीसरे हैं वो कटते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला जो जानकारी है, अगला सवाल देखिए। सर कम्यूटेशन डिडक्शन केस वाज रिजेक्ट रेज्ड फॉर 12 इयर्स ओनली एंड नॉट फॉर 15 इयर्स, प्लीज टेल अबाउट इट्स आउटकम फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ये पिछले इलेक्शन से पहले पहले गुजरात सरकार के जो पेंशनर और एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो कम्यूटेशन का कटने का सिलसिला है उसको 15 साल से कम करके 13 साल किया गया। और हमारे भी कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनियन है, एसोसिएशन है, उन्होंने सरकार के पास ये मांग भेजी है कि जो 15 साल कट रहा है उसको 12 साल किया जाए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अभी वो मांग जो है पेंडिंग है। और सरकार ने पिछली बार जब राज्यसभा में ये इसके बारे में सवाल पूछा गया था तो उसमें सरकार ने जवाब भी दिया था कि अभी वो जो है जो प्रपोजल है वो विचाराधीन है करके। तो दोस्तों अगर हमारा कम्यूटेशन कटने का सिलसिला 12 साल या 13 साल हो जाए 15 साल के बजाय, तो लाखों रुपए का फायदा पेंशनर्स को होगा, क्योंकि उनको अगर 2 साल या 3 साल के लिए अपना कम्यूटेशन का अमाउंट ना देना पड़े तो आप सोच के देखिए कितना फायदा होगा। मान लीजिए आपका अगर कम्यूटेशन 3 या 4 हजार रुपए कट रहा है तो आपका अगर 2 साल आपको देना ना पड़े तो 3 या 4 हजार में 24 महीने आप इंटू करके देखिए कितना फायदा आपको हो सकता है। हालांकि ये प्रपोजल अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, अभी तक वो प्रपोजल में कोई भी जो है समाधान या कोई भी डिसीजन नहीं निकला है। लेकिन पिछली बार जब इलेक्शन से पहले पहले गुजरात सरकार के एम्प्लॉइज और उनके पेंशनर्स के लिए ये कार्रवाई किया गया था, ये लागू किया गया था, तो हो सकता है हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन से पहले पहले हो सकता है इसके बारे में कुछ ना कुछ विचार किया जाए। अगला जो सवाल है दोस्तों, आफ्टर एक्सपायरी डिसेबिलिटी पेंशन फैमिली को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये जो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है वो पेंशनर को उनके शरीर की कमी के लिए मिलता है, तो इस वजह से जैसे पेंशनर का डेथ हो जाता है डिसेबिलिटी एलिमेंट उनके साथ साथ बंद हो जाएगा और जो फैमिली पेंशन शुरू होगा वो सिर्फ सर्विस एलिमेंट को लेकर के शुरू होगा। दोस्तों अब दोस्तों चलिए एंट्री लेवल पे के बारे में बात करते हैं। 1 जनवरी 2006 से एक ऐसा एंट्री लेवल पे जो सिपाही, हवलदार और नायब सूबेदार को लागू था। अब किन किन को लागू था वो आप पहले समझना पड़ेगा आपको, ऐसे ही सभी को लागू नहीं था, किन को लागू था आप समझिए। जो 1 जनवरी 2006 से पहले का भर्ती है, जो सिपाही में भर्ती हुआ था और 1 जनवरी 2006 के डेट में भी सिपाही था और उसका 6th पे कमीशन में जो बेसिक पे का फिक्सेशन हुआ था वो हुआ था 6460 से कम में, तो ये हवलदारों को भी लागू था। लेकिन किन हवलदारों को? जो डायरेक्ट एंट्री हवलदार थे, 2006 से पहले के भर्ती थे, 1 जनवरी 2006 के दिन में भी हवलदार थे और उनका फिक्सेशन 6th पे कमीशन में 8560 से कम में हुआ था। और डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार जैसे आरटीजीसीओ, कैटरिंग जैसे होते हैं उनके लिए था दोस्तों। जो 1 जनवरी 2006 से पहले भर्ती हुए थे डायरेक्ट नायब सूबेदार में और 1 जनवरी 2006 के डेट में नायब सूबेदार थे और उनका फिक्सेशन 6th पे कमीशन में 9300 रुपए से कम में हुआ था, उनको लागू है दोस्तों। तो आप इस चीज को पहले समझिएगा लागू किसको है, उसके बाद ही आपका केस प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स बचे हुए हैं जो उनको पता ना होने की वजह से वो आज तक नहीं ले पाए हैं उसको, तो आपको भी प्रोसेस कर सकते हैं आप। मैं आपको पूरा लेटर बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप लेटर का प्रिंट निकालिए, उसमें सारा अपना डिटेल्स भर के आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकते हैं। चलिए मैं जो एक पेंशनर का लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया है उस लेटर को भी आपको दिखाता हूं और सारे जो कागजात हैं, सीजीडीए का लेटर, डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, वो सारी चीजें पहले देखते हैं, उसको देख लेते हैं। अब ये दोस्तों जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि रिकॉर्ड ऑफ सिख रेजिमेंट ने भेजा है एक पेंशनर को, जब उन्होंने अपना एंट्री लेवल पे का जो केस प्रोसेस किया तो उनको ये जवाब दिया गया कि उनका ऑलरेडी 2006 में 7050 रुपए में फिक्स किया गया था जो कि 6460 से ऑलरेडी ऊपर था, जिस वजह से उनको एंट्री लेवल पे लागू नहीं है। तो जो भी सिपाही हैं जिनका फिक्सेशन 6460 से कम में हुआ है 1 जनवरी 2006 के डेट में, वो सिपाही थे, उससे पहले के भर्ती थे, तो उनको लागू है, उनको ये फायदा मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो लेटर्स हैं वो आपको मैं समझाता हूँ, क्या क्या लेटर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो लेटर है दोस्तों ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये 2019 का लेटर है। आगे कुछ लेटर्स हैं जो सीजीडीए का लेटर है, देखिए, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है, इसके बाद ऐसे कई सारे लेटर्स हैं जो एंट्री लेवल पे से जुड़े हुए लेटर्स हैं। ये सभी लेटर्स को मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनको डाउनलोड करने का लिंक डाल दूंगा। अब ये देखिए, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का लेटर है जो जून 2022 का लेटर है, ये टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ा हुआ है, उनके भी जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार थे उनको लागू था, तो उसके ऊपर ये लेटर निकला था, ये वो लेटर है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों मैं ये वाला लेटर भी डाल दूंगा जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है आपकी आसानी के लिए। आप इस लेटर का प्रिंट निकालिए, अपना डिटेल्स इसमें भरिए, आपका रिकॉर्ड ऑफिस का इसमें एड्रेस भरिए और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी इसमें डाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के भी प्रिंट लगा करके यहाँ अपना एसओएस डेट डालिए, यानी कि डिस्चार्ज का डेट डालिए, आपका आर्मी नंबर वगैरह यहाँ डालिए, उसके
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है डिस्चार्ज का डेट आएगा और आपको कितने में फिक्स किया गया था। आपका फिक्सेशन 6460 से अगर कम में किया गया था, आप सिपाही थे 1 जनवरी 2006 के डेट में, तो आपको वो जो फिक्सेशन किया गया था, आपको मान लीजिए 4250 किया गया था, 4300 किया गया था, उसको यहाँ पर इस जगह पर अमाउंट डालना है और इस लेटर का जो है साइन करके बाकी लेटर को इनक्लोजर लगा करके आपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने देखा, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, आपने उस लेटर का प्रिंट निकालना है, उसमें आपका पर्टिकुलर भेजना है और आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देना है। अब जिनको लागू नहीं है उनको नहीं मिलेगा, जिनका फिक्सेशन 6460 से ऊपर में हुआ है, जैसे अभी जो जिनका मैंने लेटर दिखाया उनका वैसा ही हुआ था, 7050 उनको ऑलरेडी मिला था, जिस वजह से उनको फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन जिनको लागू है ऐसे बहुत सारे आज भी बचे हुए हैं पेंशनर जिनको ये फायदा मिल सकता है, तो आप भी अपना कार्रवाई करा सकते हैं। ये सारी कार्रवाई जो है आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको अगर लागू है तो पूरे वो लेटर जो मैंने दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएंगे, उनको आप जो है भेज सकते हैं दोस्तों अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। तो आज के वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।